अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद इकरा में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह पे यकीन है ठीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और बैक टू स्कूल, स्कूल बच्चों के स्टार्ट हो चुके हैं, स्कूल आए हुए थे हम अभी, तो जस्ट फर्स्ट डे है टुडे, और बस घूम फिर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। और जनाब जी मैं वापस आ गई हूँ अपने घर में। सैम जनाब जी, आज हम बनाने लगे हैं कद्दू की सब्ज़ी, यानी कि पम्पकिन वेजिटेबल्स, और ये बड़े मज़े की होती है। देखें जी, मैंने प्याज काट लिया है, नॉर्मल स्लाइस कर ली, कटिंग हो गई प्याज की। और मैं यूज़ करती हूँ बेबी टोमेटोज, इसकी मुझे स्किन बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि जल्दी इसकी जो स्किन है वो रिमूव हो जाती है। अब मैं ज़रा सा इसे फ्राई करूँगी ऑयल में, और ये देखें जी जैसे मैं इसे पुश कर रही हूँ, दबा रही हूँ, ये ऑलरेडी देखें ये निकलना शुरू हो गई स्किन इसकी। इसमें कोई मुश्किल ही नहीं होता, स्किन इसकी जल्दी निकल भी जाती है और जल्दी ये बन भी जाते हैं, क्योंकि दूसरे जो टमाटोज होते हैं वो उनकी स्किन थोड़ी सी मोटी होती है। सो इस वजह से मुझे ये पसंद है बेबी टमाटोज। खैर जनाब जी, मेरा मसाला, ओह सॉरी जनाब, मेरा नहीं प्याज का मसाला रेडी हो रहा है। प्याज लिया मैंने, टमाटर लिया, अदरक लहसुन लिया, उसका मैंने ऐड कर लिया है, वो मसाला मैं बना रही हूँ। और अभी मैं बनाने लगी हूँ कद्दू की सब्ज़ी। ये देखें जी, ये हो गया नरम। लें जी, प्याज ब्राउन हो गया, टमाटर भी नरम हो गए। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ सारे स्पाइसेस। मैंने ऐड कर दिया जी 1 टेबल स्पून नमक, सॉल्ट, और मेरे पास 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, वो है हल्दी, मसाला, सब मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी टमाटर केचप भी ऐड करूँगी ताकि उसका कलर बड़ा अच्छा आता है। अभी तो मैंने जस्ट पानी ऐड किया ताकि इसके जो प्याज हैं वो नरम हो जाएँ, फिर उसके साथ मैं इसके अंदर, अच्छा वैसे कुछ लोग होते हैं जो कद्दू के साथ आलू भी डालते हैं सब्ज़ी में, कद्दू और आलू की सब्ज़ी, अपनी चॉइस है इंसान की, जो मर्जी यूज़ करें। खैर मैं बनाने लगी हूँ कद्दू के सीख कबाब। ये देखें जी मेरे पास है सीख कबाब, क्योंकि ये सीख कबाब ऑलरेडी मेरे कुक हुए हुए हैं और जस्ट मैंने इनके छोटे पीस किए हैं और इसे मैंने मसाले में ऐड कर दिया। ये जैसे ही मसाले में ऐड किए, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो फ्लेम है वो ऑन कर लिए, तेज़ कर दिए इसकी आंच, ताकि इसका अच्छे से मसाला ऐड हो जाए। ज़रा सा मैं इसे फ्राई करूँगी ऑयल, यानी कि मसाले में हम इसे ब्राउन करेंगे। ये देखें जी, ये हो गए मसाले के अंदर ऐड हो गए हैं, और इसे मैं थोड़ी देर कुक करूँगी ताकि इसके अंदर सारे मसाले भी ऐड हो जाएं। अब मैंने ऐड कर दिए हैं जनाब जी टमाटो केचप और नाइस कलर। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा जो मसाला रेडी हो चुका है। ये लें जी सीख कबाब, और सारे मसाले ऐड हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कद्दू। कद्दू को मैंने कट करके रख लिया हुआ है, साफ करके धो के। इसमें मैंने 2 साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और गार्निशिंग। अब इसके अंदर हम डालेंगे कद्दू, क्योंकि हमारा मसाला रेडी हो चुका है और इसमें कद्दू जाएगा। कद्दू और सीख कबाब मज़े का बनता है, साथ होंगी चपातियाँ, आप भी बनाइएगा, मज़ा आता है खाने में।
जी जनाब, मेरा सालन हो गया रेडी, कद्दू और देखें जी माशाल्लाह से सीख कबाब रेडी हो चुके हैं, इसके साथ गर्मा गर्म रोटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कॉमेंट।